तो छपरा में मंगलवार की सुबह भड़की चुनावी हिंसा और फायरिंग में एक शख्स की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। किसी भी तरह के अफवाह नहीं फैलने को लेकर दो दिन तक इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया है। प्रशासन का ये दावा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। हिंसा के बाद से पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और चुनावी अगर बात की जाए तो हिंसा के बाद छपरा में फिलहाल शांति है। बिहार सैप की तीन टुकड़ी छपरा पहुंच चुकी है। सभी संवेदनशील जगहों पर फोर्स की तैनाती की गई है। एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छपरा में दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बाधित है। चुनावी हिंसा के बाद बिहार की सियासत भी सुलग रही है। बूथ नहीं छपाएगा। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने छपरा गोलीकांड पर एक बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य बूथ पर लोगों को भड़का रही थी। रोहिणी के साथ चल रही सुरक्षा बल पर भी सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि लालू और राबड़ी देवी के अंगरक्षक रोहिणी के साथ चल रहे थे और इस बात की जांच अभी चल रही है। जांच के बाद पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। वहीं सम्राट के अंगरक्षक वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सम्राट के बयान को फालतू बताया। लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य गई और वहां पर दो दो बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तूतू मैमे करने का काम रोहिणी आचार्य ने किया, तो इस पर कार्रवाई होगी। जांच की प्रक्रिया चल रही है। डीएम सबसे बात हुई। सम्राट चौधरी ने सवाल खड़ा किया है कि रोहिणी के साथ राबड़ी जी का बॉडीगार्ड कैसे था, जबकि अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड उनकी बेटी के अरे अरे प्रमोद, फालतू का बेकार का बात लोगों हवे में बात करता है। कैसे था इसका कोई मतलब है क्या? तीन हर कैंडिडेट को तीन बॉडीगार्ड मिलता नहीं पता है। उनको पता है कि मेरा बॉडीगार्ड का चेहरा क्या है। तेजस्वी यादव ने छपरा गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। तेजस्वी ने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग बिहार सरकार से की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी का एक डेलीगेशन जो है वो छपरा गया हुआ है, जहां वो पीड़ित परिवार से मिलेगा और आर्थिक मदद भी करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इसलिए छपरा नहीं गए क्योंकि लोग कहेंगे कि भड़काने के लिए आ गए। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने और लालू प्रसाद ने गृह सचिव से लेकर आला अधिकारियों से इस बाबत बात की है। लोग गए हुए हैं, अभी माहौल वैसा नहीं है। हमारे जाने के बाद जो है कई तरह की बातें उठेंगी, लोग बोलेंगे कि भड़काने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं। इसलिए परिवार के लोगों से, कल भी हमारे पिता लालू जी की सब लोगों से बात हुई है, सुबह से हम लोग संपर्क में हैं और पार्टी का एक डेलीगेशन जो है छपरा पहुंच चुका है और जो आर्थिक मदद होगी वो किया जाएगा। और प्रशासन को हम लोग जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो कुख्यात अपराधी है जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उसका स्पीडी ट्रायल होकर के उसको कई से कई सजा मिलनी चाहिए। आप और लालू जी ने छपरा डीएमएसपी से बात भी किया है? होम सेक्रेटरी से लेकर के एसपी डीएम सबसे बात हुई। तो इधर छपरा गोलीकांड पर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने छपरा में आरजेडी पर तांडव करवाने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक एक बूथ को बार बार डिस्टर्ब किया क्या, जनता को उकसाया क्या। सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के अंगरक्षक का दुरुपयोग तक किया गया है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, उनको दूसरा कोई चीज नहीं दिखाई देती। भ्रष्टाचार ही लालू प्रसाद जी का गहना है और जिस तरह का तांडव छपरा में ही लोगों ने करवाया है, एक ही बूथ को बार बार डिस्टर्ब करना और जनता को उकसाना, और इतने अंगरक्षक कैसे मिल गए, किस आधार पर लालू प्रसाद जी के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा है,
राबड़ी देवी जी का के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच की कार्रवाई। तो वहीं जेटू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने छपरा मामले को लेकर भोला यादव पर सवाल उठाए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि भोला यादव को किसने अधिकार दिया था कि वो वोटिंग सेंटर पर चले जाएं? भोला यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मंत्री जमाखा ने छपरा की घटना पर कहा कि वो जो भी दोषी हो कोई उसे बचाएगा नहीं। ये ऐसी सरकार है जहां गलती करने वाले किसी भी परिस्थिति में बचेंगे नहीं। हार के डर से हिंसा पर उतर आना ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये लोकतंत्र में कलंक जिन्होंने लगाया है, बीजेपी के लोग जिस तरह से हार सामने देख करके हताश और निराश हैं और हिंसा पर उतर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो हैं, वो लगता है हार के डर से बौखला गए हैं, मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो हार रहे हैं। आखिर मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचे भोला यादव? किसने ये अधिकार उनको दिया? जब चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन हो रहा हो और सामाजिक तनाव उन्माद फैलाने में एक दरभंगा की व्यक्ति की भूमिका हो, जो लालू जी के खास राजनीतिक सिपा सलार है, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि उन्माद भड़काना ये राष्ट्रीय जनता दल की कार्यनीति है। छपरा में हुई हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? यह किसी से छिपी हुई नहीं है। राजद के लोग बेवजह भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप मढ़ रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। छपरा की हिंसा राजद प्रत्याशी के सुनिश्चित हार की हताशा का नतीजा है। राजद का चरित्र ही मारपीट और हिंसा करना रहा है। राजद के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर बिहार में जंगल लाल लाना चाहते हैं। बिहार में फिर से लालू जी और उनका परिवार अराजकता का माहौल कायम करना चाहता है। देखिए, जो घटना घटी है, कार्रवाई की जा रही है, गलत तो गलत कहेंगे, जो भी घटना किया गलत किया है, जो भी किया होगा वो बचेगा नहीं, उसकी जांच चल रही है, जांच होगी। और इस सरकार में आप जानते हैं कि कोई पछता नहीं, कोई भी हो। लालू परिवार और राजद के कार्यकर्ताओं की ये पुरानी फितरत रही है कि जहां पे भी उनको हार लगता है तो असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर वो बवाल काटने लगते हैं। छपरा गोलीकांड उसी का उदाहरण है, जहां पे रोहिणी आचार्य ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काया और ये गोलीकांड हुआ।